नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। शेयर मार्केट में लिस्टेड और टू व्हीलर सेगमेंट की दिग्गज कंपनी हीरो मोटो कॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल के यहां इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। जानकारी के मुताबिक उनके गुड़गांव स्थित दफ्तर और घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम सर्च अभियान चला रही है। हीरो मोटो कॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी 40 से ज्यादा देशों में अपना कारोबार करती है। हीरो मोटो कॉर्प एशिया, अफ्रीका, अमेरिका जैसे देशों में भी मौजूद है। हीरो मोटो कॉर्प का भारतीय टू व्हीलर सेगमेंट में कितना जलवा है, इससे आप कुछ आंकड़ों से जान सकते हैं। भारत में जितने भी दोपहिया वाहन बेचे जाते हैं उनमें से 50% हीरो मोटो कॉर्प के ही हैं। मुंजाल के खिलाफ फर्जी खर्च खाने के आरोप हैं। कहा जा रहा है कि विभाग को भी दस्तावेजों में कुछ फर्जी खर्चों की जानकारी मिली है। हाल ही में विभाग ने रियल स्टेट फर्म के दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, लुधियाना, लखनऊ और इंदौर में 35 ठिकानों पर छापेमारी की है। उस दौरान भी 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेहिसाब नकदी और 50 करोड़ रुपए के आभूषण जब्त किए गए थे। आपको बता दें कि मुंजाल के गुरुग्राम स्थित आवास और दफ्तर पर सुबह तलाशी ली गई। इधर रेड की खबर का सीधा असर बाजार पर पड़ा। कंपनी के शेयर में बुधवार को खासी गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल कंपनी और आईटी विभाग की तरफ से इस कार्रवाई को लेकर आधिकारिक रूप से जानकारी साझा नहीं की गई है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि हीरो मोटो कॉर्प समूह के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुंजाल और अन्य प्रवर्तकों के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों पर छापे मारे गए हैं। छापे की ये कार्रवाई गुरुग्राम, दिल्ली और अन्य शहरों में स्थित परिसरों पर की जा रही है। आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम कंपनी और उसके प्रवर्तकों के वित्तीय दस्तावेजों एवं अन्य कारोबारी लेनदेन पर गौर कर रही है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।